साहित्य जो लोग कर रहे हैं, दर्शन से साहित्य में आए हैं वीरकांत जी, और विषय तो बड़ा अनुकूल रखा गया है, हर तरह की सत्ता से टकराने का और हर तरह की सत्ता से हर तरह टकराने का चरित्र या स्वभाव वीरकांत जी का है। दर्शन का आज की साहित्य में एक मुहावरा याद आ रहा है, बुल इन चाइना शॉप। तो जो बुल इन चाइना शॉप होता है तो काफी तोड़ फोड़ करता है। साहित्य में नीलकांत जी ने भी तोड़ फोड़ काफी किया है और कई बार आगे कुछ बनाने के लिए तोड़ फोड़ जरूरी होता है। तोड़ फोड़ हमेशा बुरा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन साहित्य तोड़ फोड़ से शुरू हो सकता है। इस गोष्ठी में शायद मेरी स्थिति भी वैसी है जैसी साहित्य में नीलकांत जी की है, बुल इन चाइना शॉप। तो ये निश्चय करना पड़ेगा कि कितनी बात कही जाए कितनी बात न कही जाए। दूसरी बात यह कहूंगा कि नीलकांत जी के सम्मान से मैं विशेष रूप से इसलिए प्रसन्न हूं कि जौनपुर के नीलकांत जी भी हैं, जौनपुर का मैं भी, इलाहाबाद में वो भी रहे, इलाहाबाद में मैं भी रहा, और अब झूसी में जहां उनका मकान है उनके ठीक सामने मेरे छोटे साले रहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि नीलकांत जी के सम्मान से प्रसन्न न होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन ये तो परिहास हुआ। मित्रों, सत्ता और साहित्य के विषय पर सोचते समय, और ये विषय रखने में शायद आज का जो वायुमंडल है सत्ता से साहित्य का जो बड़ा जटिल रिश्ता पैदा हो गया है, ये कारण प्रेरणा हो सकती है, ये प्रेरणा के रूप में ये चीज हो सकती है। लेकिन ध्यान जाता है साहित्य को थोड़ा व्यापक अर्थ में लें बुद्धिजीवी समुदाय, तो बराबर ध्यान जाता है कि जब बुद्धिजीवी समुदाय सत्ता से अपने आप को जोड़ लेता है तो उसकी नियति बड़ी दयनीय हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत है। एक से कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इनके टक्कर का कोई विद्वान शायद दोबारा मालूम नहीं, लेकिन कैसी नियति। सत्ता से बुद्धिजीवी का, जब सत्ता के हित बुद्धिजीवी के लिए बंधन बन जाते हैं या प्रतिबद्धता सत्ता के हित से बुद्धिजीवी की हो जाती है, तो उससे उनकी बौद्धिकता का क्षरण होता है, उनकी अपनी विश्वसनीयता संदिग्ध होती है। दूसरी तरफ जो सर्जनशील कलाकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सर्जनशील में चिंतनशील भी शामिल है, दार्शनिक हो, व्याकरणाचार्य हो, नाटककार हो, कवि हो, कलाकार हो, जीवन सत्य सत्ता से बाहर है। जीवन सत्य से जो अपना तारतम्य जोड़ता है वही अपने समय में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है और आगे के लिए भी महत्वपूर्ण बना रहता है। यह एक बड़ी सीधी सी पहचान दिखाई पड़ती है। और इसका सबसे सबसे बड़ा उदाहरण, जिसको हम लोग हिंदी में मध्यकाल कहने के आदि हो गए हैं, लेकिन जो हिंदी का लोक जागरण काल है वो है संतन को कहा सीकरी सौ काम। सीकरी से संतों का काम नहीं था, और अब तुलसी का होंगे नरके मनसबदार, वो सत्ता के आसपास नहीं, सत्ता से बाहर। और ऐसे लोग जब साहित्य रचना कर रहे हैं तो हिंदी का स्वर्ण युग पैदा हो रहा है। ये प्रतिरोध साहित्य का चरित्र है। दूसरी तरफ
उस सत्ता तंत्र से अभिन्न रूप में अपने हितों को जोड़े हुए बड़े कलावंत, असाधारण प्रतिभाशाली और प्रशिक्षित, और तय करके कि हाँ हमें कविता लिखनी है, और ऐसे महान कवियों का एक पूरा दल है जो रीतिबद्ध काव्य लिख रहा है। लेकिन रीतिबद्ध काव्य आज कितना प्रासंगिक लगता है? भक्ति साहित्य और रीति काव्य साहित्य में कोई कोई तुलना करने की बताए, इसका इसकी प्रासंगिकता का एक उदाहरण ले सकते हैं। 1833, अभी पिछले मुश्किल से 200 साल भी नहीं हुआ, 1833 का एक वर्ष है। उस वर्ष रीतिकाल के अंतिम बड़े कवि पद्माकर का देहांत हुआ था। 1833 में ही राजा राम मोहन राय का देहांत हुआ था। आज के आदमी से पूछिए, राजा राम मोहन राय आपको अपने नजदीक लगते हैं या पद्माकर अपने नजदीक लगते हैं, तो कोई दुविधा नहीं होगी। राजा राम मोहन राय हमें बहुत नए मालूम पड़ते हैं और पद्माकर हमें बहुत पुराने मालूम पड़ते हैं। एक समकालीन थे, अपने समय में समकालीन होते हुए भी सत्ता के हितों से जुड़ा हुआ बुद्धिजीवी अभी 100 साल 200 साल के भीतर अप्रासंगिक हो गया, और सत्ता से संवाद करते हुए, लेकिन वो सुधार जिन सुधारों के लिए सत्ता से संवाद भी कर रहे थे राममोहन, वो सुधार समाज में होने थे। अब सती प्रथा हो या कोई भी समस्या हो, समाज की समस्या थी। उस समाज की समस्या के लिए वाणी मुखरित करने वाला व्यक्ति हमें आज भी सजीव और अपने लिए प्रासंगिक मालूम पड़ता है। तो सत्ता से बुद्धिजीवी और साहित्य के परस्पर संबंध का ये एक उदाहरण है। मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, इस विषय पर बहुत कहा जा सकता है, बहुत मैंने भी कई लेख लिखे हैं इस पर, साकाश लेख लिख चुका हूं, तो कहने के लिए बातें बहुत हैं, लेकिन मैं इन चीजों इसके बारे में बहुत नहीं एक आध बात और कहूंगा और कोशिश करूंगा इस समय सीमा के अंदर ही बात करूं। आज राष्ट्रवाद को साहित्य की के उत्पीड़न का या साहित्यकारों के दमन का एक अस्त्र बनाया जा रहा है। एक बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद दोनों एक चीज नहीं है। राष्ट्र एक वस्तुगत सत्ता है, राष्ट्रवाद एक भावगत विचारधारा है। साहित्य का संबंध उस वस्तुगत सत्य से होगा या उस विचारधारा से होगा, पहला सवाल तो यह है। राष्ट्र बहुत प्राचीन काल से, अहम राष्ट्र संगमनी जनानाम में भी राष्ट्र की कल्पना थी, स्वरूप आज जैसा नहीं था अलग बात है। महाभारत में संजय जिस भारतवर्ष का उल्लेख करते हैं, जिसके लिए महाभारत हो रहा है, वो भारतवर्ष आज के भारतवर्ष के बहुत नजदीक का भारतवर्ष है। तो राष्ट्र के रूप में एक सत्ता बहुत दिनों से चली आ रही है। साहित्य उस राष्ट्र से तो सरोकार रखता है, लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा से साहित्य का सरोकार नहीं होगा, यह बहुत स्पष्ट रहना चाहिए। और एक उदाहरण से इसका भी अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों के सबसे बड़े रचनाकार कथाकार प्रेमचंद, कम से कम राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों के तो है ही, और आज भी बहुत लोगों के लिए आदर्श है, मेरे लिए भी आदर्श है प्रेमचंद। उन्होंने भी एक समाज का चित्र खींचा है, वो भी राष्ट्र ही था। वो जिस समाज का चित्र खींच रहे थे वही भारत था जिस भारत के लिए गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, और दोनों समकालीन थे। लेकिन प्रेमचंद के राष्ट्र में होरी था और राय था, सूरदास था और जॉन सेवक भी थे। राष्ट्र के भीतर ये जो उत्पीड़न के संबंध है, लेखक उत्पीड़न के इन संबंधों को अनदेखा नहीं कर सकता, और इसमें वो एक पक्षधर की तरह हिस्सा लेता है। और ये पक्षधरता वाल्मीकि के समय से चली आ रही है, जो पीड़ित है वाल्मीकि उसके साथ सहानुभूति में पहला श्लोक लिखते हैं, वहां से आज तक साहित्य पक्षधरता के साथ ही विकसित हुआ है, और यह पक्षधरता उत्पीड़ित के साथ है। तो रचना की प्रकृति ऐसी है, जो ब्रह्मा की बनाई दुनिया है उस दुनिया से असंतोष है, उस असंतोष को अपनी एक आदर्श कल्पना के अनुसार बदलने के लिए एक नई दुनिया बनाता है रचनाकार।
और इसीलिए उसको ब्रह्मा के समानांतर कवि मनीषी परिभू स्वयंभू कहा गया है। ब्रह्मा के समानांतर एक और सृष्टि बनाने वाला जो उस सृष्टि से नाराज है, अपनी सृष्टि बनाता है जहां ब्रह्मा की सृष्टि वाले दोष नहीं होते। वहां दोष इसलिए है कि वहां ताकतवर कमजोर को सताता, और ये वाल्मीकि से प्रेमचंद तक या उसके बाद भी बराबर बंगुआ रामदास भी वही है, बंगुआ रामदास को पीड़ित ही है। तो सर ये क्लास नहीं है, बच्चों की तरह मत बताइए, आप अरुण जी के बिल्कुल खिलाफ बोल रहे हैं। अरे सुनिए ना आपको, अगर आपको क्लास लग रही है तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाकी लोग भी समझदार ही होंगे। नीलकांत जी के सम्मान के अलावा ये विषय पर चर्चा हो रही है, क्लास नहीं हो रही है। हम आपके वक्त को सुनने नहीं आए यहाँ पर, विषय सुन सकते हो बाहर जाइए। अरे भाई आप नहीं सुन सकते हैं तो बाहर जाइए। आप नीलकांत सम्मान समारोह हो रहा है और उसमें जो हमारा विमर्श है वो दो माह पहले से तय है, सत्ता बनाम साहित्य। तो जहां तक है ये एक मुद्दा है, और मुद्दा सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, साहित्यिक भी है, और ये अदर नहीं है ये लेखन से। और जो भी वो ला रहे हैं तो वो लेखन से ही आपने उदाहरण भी ला रहे हैं। और तो हम नहीं कहते कि ये मुद्दा कोई अलग टाइप का है कि वो विषय से इधर भटक रहे हैं, ये विषय के अंदर ही है। और धैर्य रखें, क्षमा करिए, उनका उनका मत सुन लिया हम लोग। बोलिए सर। लोकतंत्र का जमाना है, लोकतंत्र का जमाना है, बहुमत की राय है कि मैं अपनी बात कहूँ, और अगर एक व्यक्ति अपनी तानाशाही चलाना चाहता है तो मैं कहूँगा तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। ऐसा है सर कि मैं आपको बुला लूंगा अंत में, जो भी आपका अभिमत है आप उसे आकर के कह सकते हैं लोकतांत्रिक ये ढंग से। वो हमारे आगंतुक है, मेहमान है, और इस प्रकार से 100 लोग बैठे हैं और हर आदमी उठ करके उसे टोकेगा बीच में कि कार्यक्रम कैसे होगा, आपको बोलना है आप भी आ जाइएगा, आपको बुला लिया जाएगा, और जो भी आपको कहना हो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिसको जो बात कहनी है बाद में कह सकता है, लेकिन इस तरह अभद्र तरीके से किसी भी वक्ता को रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, यह अभद्रता और गलत व्यवहार है। धन्यवाद दोस्तों। तो मैं अपनी बात आगे चला रहा हूं कि जहां मैंने बात स्थगित की थी कि जनता के हित और भविष्य के स्वप्न से साहित्य का संबंध होता है, और ये दोनों चीजें सत्ता से टकराव का रूप लेती हैं, क्योंकि सत्ता बनी हुई व्यवस्था को कायम रखने में दिलचस्पी रखती है और साहित्य उस व्यवस्था से असंतुष्ट होता है। इसलिए साहित्य सत्ता से टकराव के बिना प्रायः नहीं चलता। और इसी को थोड़ा अतिरंजित करते हुए लोहिया जी ने शाश्वत प्रतिपक्ष की धारणा रखी थी। वो बुनियादी तौर से गलत धारणा नहीं है, कम से कम साहित्य के संदर्भ में अतिरंजित हो सकती है। और अंतिम बात इस बारे में कहूंगा कि बाकी तो अब तो ऐसा लग रहा नहीं, मूड नहीं खराब होता, अध्यापक रहा हूं और अधिक उद्दंड विद्यार्थियों से पाला पड़ा है। अब कभी इस तरह की बातों को दिल पे नहीं लेता हूं, और दिमाग अपने पास है इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप हमारे मेहमान है सर जी, मेहमान है आप हमारे मेहमान। धन्यवाद। तो आप हमारे मित्र हैं। एक बात जरूर इस संबंध में आगे मैं कहना चाहता हूं कि
साहित्य जो जो सत्ता साहित्य का दमन करती है, आप देखें कि साहित्य के पास कोई सत्ता नहीं होती, कोई सत्ता नहीं होती, न धर्म की सत्ता है, न राजनीति की सत्ता है, न अर्थ की सत्ता है साहित्य के पास। न धर्म की सत्ता है, न अर्थ की सत्ता है, न राजनीति की सत्ता है। ये सत्ताएं साहित्य को या तो अपनी सेवा में लगाना चाहती हैं, और अगर उसको अपने विपरीत देखती है, विरुद्ध देखती है, खिलाफ देखती है, तो उसका दमन करने की कोशिश करती है। और दमन का रूप आज तो इतना हिंसक हो गया है कि संहार तक कर देते हैं, और पहले भी ऐसे संहार हुए हैं। सबसे उदार शासक अकबर ने कभी गंग की हत्या करवाई थी, हाथी जी को चढ़वाते दरबार में, हरे दरबार में। तो कब साहित्य से सत्ता टकरा, साहित्य और सत्ता का टकराव ये रूप ले ले, ये उदार से उदार आदमी के यहां गारंटी नहीं की जा सकती। और अब तो उदारता के विपरीत समय चल रहा है, ये वैसा समय चल रहा है। अभी 25 साल पहले यह दृश्य आया था कि गुफाओं कंदराओं से निकल के साधु संन्यासी संसद की तरफ भाग रहे थे, और अब तो वो समय आ गया कि मठों के जो साधु संन्यासी है वो विधानसभा और संसद के साधु संन्यासी बन रहे, उसके मठाधीश बन रहे। हम ऐसे प्रत्यावर्तन के दौर में हैं। लेकिन आप एक बात देखें कि इतनी ताकत रहने पर भी साहित्य से क्यों डरते हैं? अगर किसी ने एक कविता लिख दी तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है, और बाकायदा गैंग बने हुए हैं अलग अलग नामों से। किसी एक पिंड संगठन के छोटे छोटे छोटी छोटी संतानें हैं सैकड़ों की संख्या में, वो गैंग बने हुए हैं, उत्पात करते हैं और पुलिस के जरिए एक्शन करवाएंगे। जहां पुलिस का संभव नहीं होगा वहां खुद जाके हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे और हत्या कर देंगे। ये हालत है। इस साहित्य से क्यों इतना डर, विचार से, अभिव्यक्ति से क्यों इतना डर है? आज आप अभिव्यक्ति की बात कीजिए, आप देशद्रोही हो जाएंगे। आप विचार के स्वतंत्रता की बात कीजिए, आप देशद्रोही हो जाएंगे। ये वातावरण क्यों है? और इसको और ऊपर से इसको असहिष्णुता ना कहा जाए, ऐसा एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। और वो मनोवैज्ञानिक दबाव किन तरीकों से क्रियान्वित होता है, आप सभी लोग परिचित हैं, मैं उसके बारे में क्या कहूं। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि साहित्य के पास एक और सत्ता है जिसको नैतिक सत्ता कहते हैं, और वो नैतिक सत्ता साहित्य अपनी संवेदनशीलता के द्वारा अर्जित करता है। ये जो गुण है संवेदनशीलता का, ये गुण किसी सत्ता में नहीं होता। इसीलिए सत्ता क्रूर होती है, साहित्य संवेदनशील होता है। और ये संवेदना एक ऐसी पूंजी है, मैं सिर्फ एक प्रतिलोम खड़ा करना चाहता हूं। आप जानते हैं जिसको सांप्रदायिकता कहते हैं वो घृणा से जीवन लेती है, और साहित्य जो संवेदना का क्षेत्र है उसमें समवेदना, एक का अनुभव दूसरे के अनुभव में परिवर्तित होता है, यह साहित्य का रिश्ता है। इसलिए साहित्य मनुष्यता की रक्षा करने का काम करता है, कलाएं मनुष्यता की रक्षा करने का काम करती है, और सत्ताएं जब मनुष्यता का, संवेदना का, भावना का या संस्कृति का दमन करती हैं, तब उसके खिलाफ इनकी आवाज अपने आप खड़ी होती है। और इसलिए सत्ताएं मिट जाती हैं जिनके पास बड़ी ताकत रहती है, और साहित्य नहीं मिटता जिसके पास कोई ताकत नहीं है। बहुत बढ़िया। इसलिए जो मौत को जीत कर भी कायम रहे वो सत्ता है साहित्य। इसलिए साहित्य शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द इस अर्थ में ब्रह्म है, और हमें अपनी इस भाषा को, उस भाषा में निहित अर्थों को आज नए सिरे से पहचानने की, समझने की और व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अभी उन्होंने जो